पीएम नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की तो हरियाणा की एकमात्र साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी GJU में भी स्टूडेंट्स के भीतर छिपे व्यावसायिक हुनर को सामने लाने के मकसद से सेंसिटाइजेशन स्टार्टअप सेशन की शुरुआत की गई। आज जो कार्यक्रम है वो एक स्टार्टअप का हैपनिंग हरियाणा के बारे में है। आज बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया गया और बच्चों ने अपने आइडिया जनरेट किए, आइडिया जनरेट करके उनको उद्योग में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है इसके बारे में विचार किए। अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी मांगने वालों को नौकरी देने के लिए तैयार करना वाकई दिलचस्प रहा। एक एंटरप्रेन्योर के रूप में जोखिमों को अवसर में बदलने का हुनर इन स्टूडेंट्स में मौजूद है, बस जरूरत है उस हुनर को निखारने की। आइडियाज बहुत अलग अलग फील्ड्स के थे, आइडियाज गार्बेज रीयूज के ऊपर आइडियाज थे, ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर आइडियाज थे और बच्चों ने जो प्रॉब्लम्स को सच में आइडेंटिफाई किया उनके ऊपर ही उन्होंने आइडियाज़ पे काम करने का सोचा, तो वो सबसे अच्छी बात है। अगर हम अपने आसपास की समस्याओं को पता करके और अगर उसके ऊपर काम करें, उनके सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करें, तो वो आइडियाज़ डेफिनेटली आगे चल के बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। GJU में इस सेंसिटाइजेशन स्टार्टअप सेशन में शामिल हुई कुल 11 टीमों में से 2 विजेता टीमों का चयन किया गया है। एक सफल उद्यमी के रूप में स्टूडेंट्स कामयाबी की उड़ान भरने का मादा रखते हैं, बस जरूरत है एक मौका देने की। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज, हिसार।